हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे स्विच CV50 सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप में आपको मिलता है सिपोडॉक्सिम और पोटेशियम क्लिनेट। इसके हम बारे में बात करेंगे, इसके डोज के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, किन बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है और कैसे इस दवा का इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अंत तक बनी रहेगा, कहीं भी मत जाइएगा। इस वीडियो को अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विच CV50 सीरप को किन बीमारियों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सिपोडॉक्सिम है और पोटेशियम क्लिनेट, दोनों एंटीबायोटिक है। तो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बच्चों में जैसे टाइफाइड है, इसी तरीके से नमोनिया है, इसी तरीके से कोई बच्चे को पस हो गया है, फोड़ा है, जख्म है जिसमें पस बन गया हो, इसी तरीके से बच्चे को UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मेनिनजाइटिस है, ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आमतौर से डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल कराते हैं। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके डोज पे। तो फ्रेंड्स, सिपोडॉक्सिम का डोज होता है वो 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, यानी एक दिन में बच्चे को 10 mg पर केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इसके 5 ml में 50 mg दवा है, तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे हम 5 ml इस सिरप को आसानी से के साथ दे सकते हैं, या डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके डोज के बाद इसके साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड, साइड इफेक्ट में आमतौर से देखा गया है कि इसको खाने के बाद थोड़ा सा नाजिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, सर दर्द, हल्की सी कोई परेशानी हो सकती है। ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको इस दवा को स्टॉप नहीं करना है। अगर कोई कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द या उल्टी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो फौरन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद आपको इस दवा को बंद करना है या कंटिन्यू करना है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों कि इस दवा को कब आपको इस्तेमाल नहीं करना है बच्चे को। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्विच CV50 सिरप के बजाय कोई दूसरा सिपोडॉक्सिम का सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं से आपने, कहीं छोटे डॉक्टर से आपने दवा ले रखी है, कहीं मेडिकल स्टोर से आपने कोई दवा ले रखी है, उसके बाद आप कहीं जाते हैं, आमतौर से ये देखा गया है कि जब कंडीशन वर्स हो जाती है, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तब लोग बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई दवा पहले से खा रहे हैं या पहले से घर पर रखे हुए हैं, तो उस दवा को अपने डॉक्टर को दिखाएँ और उसके बाद ही आप इस दवा को इस्तेमाल करें, ताकि डॉक्टर ये समझे कि आप कौन सी दवा खा रहे हैं, वो उस हिसाब से दवा सेट करें। अगर कोई आप सिपोडॉक्सिम का सिरप ले रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके साथ आपको कोई दूसरा सिपोडॉक्सिम का सिरप नहीं लेना है। मेरे जो कहने का मतलब ये है, क्योंकि ब्रांड अलग अलग नाम से आती है, जैसे स्विच CV है, मैकपॉड है, मोनोसेफ है, ऐसी बहुत सारी ब्रांड अलग अलग हैं, लेकिन सब में जो साल्ट होता है वो एक होता है। ऐसी कोई कंडीशन में आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है जब कोई आप सिपोडॉक्सिम दूसरा ले रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि इस सिरप को आपको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी एंटीबायोटिक है, आमतौर से सिपोडॉक्सिम का 7 to 14 days का कोर्स होता है, यानी 7 से 14 दिन तक कोर्स है, उस कोर्स को आपको पूरा करना है, उसके बाद ही आप इस दवा को बंद करना है, भले ही आपको आराम मिल जाए। ये जानकारी आपको रही सिपोडॉक्सिम या स्विच CV50 सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।